नमस्कार दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है आज का वीडियो में मैं लास्ट दो दिन का डॉक्टर रेड्डी का एक परफॉर्मेंस दिखाने जा रहा हूँ जो डॉक्टर रेड्डी में हम लोग का सॉफ्टवेयर ने लास्ट दो दिन में कितना कॉल बना उसमें से कितना अचीव हुआ कौन सा अचीव नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ पूरा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी वीडियो होने वाला है तो वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू तो लो ज्वाइन होना चाहते हैं जैसे हम लोग एल ब्लू के का साथ काम करते हैं काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है तो लिंक ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए आपका पास एल एस ब्रू की तरफ से फोन चला जाएगा आपका मन में जो भी डाउट है क्वेरीज है आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए तो चलिए आज को देखते हैं डॉक्टर रेड्डी का ये फ्यूचर का चार्ट है और मैं सेवन मिनट का चार्ट को बेसिकली प्रेफर करता हूँ आप कोई भी टाइम फ्रेम पे चूज कर सकते हैं बट सेवन मिनट इंटर के लिए मेरे हिसाब से सबसे, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है तो चलिए शुरू करते हैं दिस इज द फर्स्ट कैंडल यहाँ पर चौदह तारीख को मार्केट ओपन हुआ था ऊपर में देखिए डेट एंड टाइमिंग भी शो कर रहा है तो ये जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है ये आपका सिग्नल है और जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा अभी जो सिग्नल बना है कैंडल का क्लोजिंग होने तक आपको ऑब्वियसली वेट करना है जैसे कैंडल क्लोज होकर नेक्स्ट कैंडल बन जाएगा कॉल कन्फर्म हो जाता है अब ट्रेड लेने का पहले आपको दो चीज पहले देखना है नीचे का जो रिबोन है उसका कलर को ग्रीन व्हाइट नहीं जैसे पहले देखिए इसका कलर रेड था उसके बाद वो तो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया मतलब यहाँ पर बायर्स बढ़ चुका है और मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी इंडिकेट कर रहा है जो यहाँ पर बायर्स भर रहा है और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा जिस कैंडल पर कॉल बना है उस कैंडल का हाई का ऊपर ही आपको बाय करना चाहिए अगर इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ता है नेक्स्ट कैंडल तो आप यहाँ पर बाय नहीं कर सकते तो ये जो डॉक्टर रेड्डी में बाय का कॉल बना था यहाँ पर बिल्कुल कंडीशन मैच था एक नीचे का रेवन ग्रीन था मिडिल का दोनों लाइन क्रॉस ओवर होकर ग्रीन हो रहा था और इस कैंडल का हाई था आपका ऊपर में देखिए लिखा है फोर फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव फाइव मैं फोर पॉइंट फोर फाइव फिफ्टी पकड़ लेता हूँ तो फिफ्टी का ऊपर इस कैंडल ने चला गया था तो मैं यहाँ से मेरा बाइंग पोजिशन को एग्जीक्यूट कर लूंगा तो चलिए देखते हैं ये बाय का कॉल कितना प्रॉफिट देके जाता है सोचिए अगर आप फिफ्टी में भी बाई करते हैं अभी मार्केट का वैल्यू देखिए एट्टी फाइव चला गया नियर अबाउट एट्टी फाइव तक चला गया था तो ऑलरेडी आप एक प्रॉफिट यहाँ पर कर लिए नाइन्टी को भी एक बार तोड़ा था मार्केट तो मीयर अबाउट आप थर्टी टू फोर्टी पॉइंट का आराम से प्रॉफिट यहाँ पर ले लिए हैं अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर हो इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में तो ये आपका संकेत है जो आप यहाँ से अपना पोजिशन को छोड़ सकते हैं आदरज आप अपने एग्जिट पहले भी कर सकते थे जैसे यहाँ पर देखिए नीचे में टारगेट वन टारगेट टू टारगेट थ्री बोल के दिया हुआ है जैसे आपका मैक्सिमम टारगेट सेवेंटी का था तो उसका अंदर भी निकल सकते हैं अदरवाइज़ आप क्रॉसिंग क्रॉस ओवर तक वेट भी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं देखिए सेलिंग का कॉल बन गया अब सेलिंग का कॉल में सेम कंडीशन होगा नीचे का जो रिवोर्न है उसका कलर को रेड होना है और मिडिल का दोनों लाइन को भी पिंक रहना पड़ेगा तो ये दोनों कंडीशन ही यहाँ पर मैच किया था थोड़ा सा नीचे आया था यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज किया है बट साइडवेज मार्केट में भी आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मिडिल का जो दो लाइन है अभी भी देखिए पिंक में ही है और नीचे का रिवोर्न अभी भी रेड है तो लंबा प्रॉफिट यहाँ पर आपको निकाल दिया अगर इस सेल का कॉल का भी प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करता हूँ इस कैंडल का लो का नीचे सेल करना है इसका लो था आपका 53 53 से लेके मार्केट ऑलरेडी लो गया था 5404 मतलब 50 पॉइंट का मूवमेंट आप लगभग यहाँ पर भी इस सेल का कॉल में ले लिए तो इस हिसाब से ये जो सॉफ्टवेयर है ये छोटा छोटा पोजिशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा नॉट ओनली फॉर डॉक्टर रेड्डी आप इसमें कोई भी चार्ट में काम कर सकते हैं सिग्नल बनने से ही नोटिफिकेशन आएगा और कॉल में ट्रेड लेने का पहले आपको कंडीशन को मैच करना है अगर मैच होता है तो आप ट्रेड कीजिएगा नहीं तो नहीं कीजिएगा तो देखिए तीसरा यहाँ पर बाय का कॉल भी बना और ये बाय का कॉल भी देखते देखते अच्छा खासा प्रॉफिट देके निकल गया तो चौदह तारीख को टोटल तीन कॉल बना फर्स्ट बाय उसके बाद सेल उसके बाद बाई तो तीनों में प्रॉफिट मिला है अभी ये देखिए पंद्रह तारीख का चार्ट चल रहा है मार्केट शुरू हुआ है रेड कैंडल होने का मतलब ही है ये एक नेगेटिव पॉइंट है ऑब्वियसली आपके लिए बट आप वेट कर सकते हैं जब तक मिडिल का दोनों लाइन क्रॉसओवर नहीं होता जैसे यहाँ पर देखिए दोबारा क्रॉसओवर हुआ अब हम लोग यहाँ पर निकल के दूसरा कोई सेल का पोजीशन के लिए वेट करेंगे जैसे देखिए यहाँ पर सेल का कॉल बन गया नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड होगा और फर्स्ट कैंडल का लो ऑब्वियसली तोड़ेगा उसको बाद आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है तो ये कॉल में भी देखते हैं जो कितना प्रॉफिट देके जाता है तो यहाँ पर भी देखेंगे धीरे धीरे मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऑलरेडी मेरा एक प्रॉफिट दे चुका है देखिए टारगेट लेफ़्ट हैंड साइड जो बॉक्स है वहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है जो टारगेट था ट्वेंटी एट का तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी नीचे आया गया था ऑलरेडी तो यहाँ पर भी देखिए मिडिल का जो दोनों लाइन है अभी भी क्रॉस ओवर हो कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है तो जब तक कलर चेंज नहीं होता है तो आप वेट कर सकते हैं और कलर चेंज होने के बाद आप निकल सकते हैं जैसे ट्वेंटी एट का जो टारगेट दिया था देखिए यहाँ पर ट्वेंटी का लो मारा मतलब आपका टारगेट कवर कर चुका तो इस हिसाब से ये जो इंडिकेटर है ये काफ़ी सिंपल है और अगर आप छोटा छोटा पोजिशन में काम करना चाहते हैं तो काफ़ी इफेक्टिवली आपको काम भी कराएगा तो होपफुली पूरा वीडियो समझ में आया है अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस रिगार्डिंग अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है या मुझसे कांटेक्ट करना है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो थैंक यू थैंक यू सो मच गुड बाय